डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन बाय फोर्स। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूँ एक एफएक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक नॉर्मल डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन को एक फोर्स के थ्रू सिमुलेट करेंगे, जिसमें कि हम कोई भी फोर्सेज यूज कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, कर्व फोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से किस तरह से डिस्ट्रक्शन सिम प्रिपेयर करनी है और उसको फोर्स के थ्रू सिम करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड लेता हूँ एंड इसको हाईरेस कर देंगे, थोड़ा सा माउंटेन डालूंगा मैं इसके ऊपर। ओके, ये देखिए, एंड इसको थोड़ा सा एलिमेंट साइज को बढ़ा देंगे। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारे ग्राउंड रेडी हो गया। एंड इसके नीचे अब एक्सट्रूड कर देंगे वॉल्यूम को इसको, तो जिसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी हमारी इस पर, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको और थोड़ी सी कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फ्रैक्चर करनी है ज्योमेट्री को, और फ्रैक्चर करनी है अकॉर्डिंग टू कर्व, ठीक है। जो भी कर्व हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर्व करता हूँ, ड्रॉ कर्व। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। अगर मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करना, इसके ऊपर। तो यहाँ पे जाएंगे आप प्रोजेक्शन पे एंड इसको कर देंगे यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है। एंड अब इसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इसके ऊपर सरफेस पे ही ड्रॉ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सी कर्व बना लेता हूँ, नॉर्मल सी कर्व, ये देखिए, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप। एंड इसको क्या करना है, इसको स्कैटर करना है इस कर्व को, ठीक है। इसमें पॉइंट्स होंगे आपके, 1000 पॉइंट्स हैं, तो इसको पॉइंट उसके अकॉर्डिंग ही लेना जितने आपको फ्रैक्चर करने हैं पीसेस। तभी 1000 अभी देखते हैं इसको। एंड इसको कर देता हूँ पॉइंट जिटर, ये देखिए। एंड इसको स्केल थोड़ा बढ़ा देता है कि ये काफ़ी दूर तक रह जाए। एंड मैं इसको 3 कर देता हूँ, 3, ये ठीक है। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वोरोनोई फ्रैक्चर लूँगा, वोरोनोई फ्रैक्चर। इसमें मेन ज्योमेट्री डालेंगे अपनी एंड फ्रैक्चर पॉइंट्स। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रैक्चर कर देगा। मैं इसके नीचे एक नोड लगाता हूँ एक्स, तो इस तरीके से आपके देखिए ये देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पीसेस हो रहे हैं, आई थिंक मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, लाइक 650 कर लेता हूँ। जैसे आप पॉइंट्स यहाँ पे कम करेंगे उतने ही आपके पीसेस बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक है आई थिंक। एंड इसको हटाते हैं अब, यहाँ पे इसको पैक कर देते हैं असेंबल। आपको पता ही होगा कि जब भी हम डॉपनेट में सिमुलेशन करते हैं तो उसके पैक फ्रैगमेंट्स ही जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो इसको पैक करना है यहाँ से, क्रिएट पैक। एंड तो अब इसके नीचे हमें एक एक्टिव इनएक्टिव के लिए रेंगल में एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो वो होगी जो लाइन है हमारी, उसके आसपास जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे वो वन बाय वन एक्टिव होंगे इसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारी इसको साइड करते हैं, जो कर्व है इसको फर्स्ट इनपुट में डालता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट डिस्ट, एक फ्लोट डिस्ट वैल्यू बनाते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डिस्टेंस। ओके, ये है, इसको ले लेते हैं अपने कर्व के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट इनपुट में है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, एट द रेट पी। ओके, पी कैपिटल रखना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, अब यहाँ पे लिखना है इफ डिस्टेंस इज लोअर देन फिट वैल्यू ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम लिखना है आपको कि कौन से फ्रेम से कौन से फ्रेम तक। तो मैं फ्रेम लिखता हूँ कॉमा 1 से लेके 50 तक, और डिस्टेंस रहेगी 0 से लेके कॉमा 0.8 तक, या 1 भी ले सकते हैं आप। एंड इसको बंद कर देंगे, 1 ओपन ब्रैकेट 2, तो यहाँ पे 2 क्लोज ब्रैकेट लगाने आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे लिखना है आई एट द रेट एक्टिव, तो इसके अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स आएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे ये लगा के इसको क्लोज कर देना, तो ये हमारी हो गई। अब इसको देखने के लिए क्या ये वर्क कर रहा है सच में, तो मैं यहाँ एक ब्लास्ट लेता हूँ एंड इसमें चेक करता हूँ, लाइक एट द रेट एक्टिव इज इक्वल्स टू 1। ओके, पॉइंट्स लेना, डिलीट नॉन सेलेक्टेड, लेट्स सी,
ओके तो लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये उल्टा हो रहा है, यहाँ से डिलीट हो रहे हैं ये, ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं। तो ये शायद इसको रिवर्स करने से होगा, डिस्टेंस इसको कर दो लोअर देन। तो अब देखिए, अब आपको दिख जाएंगे जो एक्टिव फ्रेगमेंट्स है वो दिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे लेते हैं टॉप नेट, टॉप नेटवर्क, और एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हमें इसको अट्रैक्ट कराना है। आप कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग लूँगा, ये है मेरा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा ऐड। ओके एंड इसमें ऐड कर लेंगे एक पॉइंट, और इसको टॉप व्यू पे जाता हूँ, इसको सेंटराइज करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इस कर्व के अकॉर्डिंग सेंटर करना है पॉइंट को, ठीक है, एंड इसको अप कर देना है अबाउट यहाँ, ठीक है। आप इसमें मोशन भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और इसको डाल देंगे हम अब फर्स्ट इनपुट में, ठीक है। सो सॉकेट सेकंड इनपुट में, अब जाएंगे डॉपनेट के अंदर और यहाँ पे बेसिक्स से अपने सेटअप करेंगे रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी सॉल्वर, RBD पैक ऑब्जेक्ट जो कि हमारा फर्स्ट इनपुट में है, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्मल ग्रेविटी, ग्रेविटी लगा दी मैंने। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट इनपुट में देखें उसको एक्टिव, ये ओवरराइड एट्रीब्यूट्स कर देंगे एक्टिव एनिमेटेड, क्योंकि हम उसका यूज़ कर रहे हैं एक्टिव इनएक्टिव का, तो इसलिए इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रही है और यहाँ पे कोलिजन की तरफ एज है, तो यहाँ पे एज अ कोलाइडर ये यूज़ हो रहा है। लेकिन हमें अगर मैं इसकी माइनस में अगर ये कर दूँ, अप के ऊपर की तरफ कर दूँ ग्रेविटी, तो देखिए ये देखिए, तो जो मेरे एक्टिव पीसेज हैं वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये भी एक कूल इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, यहाँ पे अट्रैक्शन के थ्रू उठा रहे हैं, तो मैं वापस से ग्रेविटी अपनी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ एक पॉप अट्रैक्ट, और इसको सेकेंड इनपुट में लगा देते हैं जी सॉल्व में, एंड यहाँ पे लेते हैं पॉइंट्स और इसको कर देते हैं सेकेंड इनपुट, ठीक है, जो हमारे सेकेंड कॉन्टेक्स्ट में था, यहाँ पे इस पॉइंट को देख रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद फोर्स यहाँ पे दे देंगे 20 एंड बाकी सब चीज़ें, ठीक है। एक्सप्रेशन देनी है हमें कि किस फ्रेम के बाद हमें अट्रैक्ट फोर्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ एट द रेट फ्रेम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, ओके, देन फोर्स स्केल जो है इज इक्वल्स टू 0, वो 0 हो जाएगा, ओके, है ना। इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं पॉइंट्स की तरफ, ये रहे, ठीक है। लेकिन ये 150 के बाद ये गिनने चाहिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, एंड सी फॉलिंग, तो ये हमारे सही से वर्क कर रही है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको स्टार्टिंग से, और रियल टाइम टॉगल ऑन कर लेना अपना, अब चेक करें, देखिए तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी फास्ट ऊपर जा रहे हैं, ओके, काफ़ी फास्ट जिटर मूवमेंट हो रही है। तो इसको रोकने के लिए मैं एक ड्रैग भी यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे थोड़ी स्टेबल हो जाएगी हमारी सिमुलेशन। तो मैं लगाता हूँ पॉप ड्रैग, और इसमें भी ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ओवरऑल रेजिस्टेंस 0.5, अगर इफ़ एट द रेट फ्रेम इज़ ग्रेटर देन 150, 150 के बाद यहाँ पे जो एयर रेजिस्ट स्पेलिंग यहाँ से देखिएगा रेजिस्ट तक, ओके, इज इक्वल्स टू 0, फिर वो 0 हो जाएगी और नीचे गिर के कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी फिर। तो इसको दोबारा चला लेते हैं, तभी थोड़ी स्टेबल होगी हमारी सिमुलेशन, ठीक है, स्लो स्लो जा रही है ऊपर, ओके, पहले बहुत फास्ट और जिटरी बिहेव कर रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और आप इसको मूव भी करा सकते हैं अपने पॉइंट को, तो उस हिसाब से ये मूव हो गया आपकी फोर्स भी। आप यहाँ पे कर्व फोर्स ले सकते हैं, सेम फोर्सेस जैसे पार्टिकल में हम यूज़ करते हैं सेम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रैंडमली आपके एक्टिव हो रहे हैं ये चीज़ नहीं थी, तो मैंने आप सोचा आपको बता दूँ, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्रिएट करते हैं कोई भी फोर्स के थ्रू अपनी डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं हर वीक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।